हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स प्लस टू इंग्लिश द सेकंड अप्रोच ऑल एग्जामिनेशंस व्हिच इज रिटन बाय विंस्टन एस चर्चिल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट वन एंड यूनिट टू ऑफ द चैप्टर यू कैन वॉच द वीडियो एंड रिवाइज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हाउ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच दिस वीडियो In this video, we are going to study the third and fourth unit. So, पिलावने, तुम्हें video start करिया पुरपुर कुटे काम करो. तुम्हारो note copy और pen नहीं क्या सो? कहेंगे ना अतरे बहुत difficult word अच्छी. हमें वो कहूँ नहीं तुमको हमें कौन पढ़ते थे? तुम्हें video देख के सही हो? है ना? हमें writer को भी सिर्फ जहाँ जहाँ पढ़ते थे, सिक्किम दी admission ने ले, ताकर different subject कोड़ा liking थला, कोड़ा dislike थला, किम दिस exam को डाउट थे कि कौन से विषय में पढ़िले यूनिट टू रे भी हमें डिस्कशन करी छे वीडियो देखि नबर निश्चय आउ नोट पेन नहीं कैसो व्हाट मीनिंग तुम्हें लिखिब जत पढ़ाव ठीक अछि यूनिट थ्री देखिए वर्तमान द टेक्स्ट आई फर्स्ट वेंट टू हारो इन द समर टर्म आई रिफर्स टू विंस्टन एस चर्चिल व्हेयर डिड ही गो ना ही वेंट टू हारो इन द समर टर्म समर टाइम रे और समर सीजन रे The school possessed, the school had, school रे थिला कौन ना the biggest swimming bath, कुटे बहुत बड़ा, the biggest swimming bath or swimming pool, I had ever seen, जा लेखा को आगुर के भी देखने थिले, first time में देखिले, he had never seen such a swimming bath before, it was his first time, it was more like the bed of a river than a bath, to have a bath, it is like the bed of a river, or edge of a river, ना देखुला वली थिला, And it had two bridges across it. How many bridges? Two bridges. Thither. Thither means in a particular direction. But this is the degree. We used to repair for hours. Used to repair for hours. Could a phrase, idiom. That means go in large numbers. Adhiyo sankhya me jau. Kute digare ba kute jaga. Kute say kute particular point ko. And bask. Bask mane buro pokeva. Bujhu chi? Bask. Enjoy on sitting between our dips. माने बास्क माने किस समय बहुत सीबा between our डामो बुढ़ा पक्के अभी तेरे किस समय enjoy करीबा eating enormous bones. Enormous means a lot of bone. Bone माने हम कहीं बात छोट-छोट cake. बुझी बुझी on the hot asphalt region. माने hard surface और lying in the heat of the sun हम कहीं परीबा. माने सूर्य के नरे बहुत सी hard मट्टी ऊपर है hard surface ऊपर है. हमें कौन करते लो ना बास्क between our dips eating enormous bones. माने किमती बास्क means enjoy. Enjoy करते लो बिटवीन आवर डिप्स आम बुढ़ मझेरी आम बुढ़ पक बुझे जपन जम्प करवा उधा पुणे आसवा इटिंग एनरमस पन्स बहुत गुड़े केक् खाइबा कौटी बस कि अन् द हट आसफाल्ट मार्जिन मीन अन् द हार्ड सरफेस कठिन जगार न्याचुराली इट वाज ए गुड जोक टू कम अप बिहाइंड सम नेकेड फ्रेंड और इवन एनिमी एंड पुश हिम इन मेड क्वाइट ए हैबिट ऑफ दिस विथ बॉयज ऑफ माय ओन साइज और लेस तले हम पढ़िले नेचुरली इट वाज ए गुड जोक इट आउट बहुत भलो जोक थिला कौन ना टू कम ऑफ बिहाइंड सम नेकेड फ्रेंड देयर आर सम नेकेड फ्रेंड्स नेकेड मींस अनड्रेस्ड दे आर नॉट ड्रेस्ड सम ड्रेस पिंदु नथिले टू कम अप बिहाइंड तंग पछरे आसीबा और इवन एनिमी किबा परि कि हमर शत्रु भी परदिबा हमें कहि परिबा ताको जो मनसे हमें क्वारल हुए झगडा हुए बुझियु छी आंटी पार्टी हमें कहिबा एंड पुश हिम इन एवं ताको भीतर को ठेल दबा I made a quiet habit of this with boys of my own size or less. The writer had a habit. तार कौन habit थला? That कौन? He used to push the boys in. से push करते ले ठेल दो उतले. से पिला वन को in जो माने की थिले of my own size. लेखो हमारे own size निजो age रहा निजो size रहा थिले height रहे और less के बाद तार उड़ कम थिले. One day when I had been no more than a month in the school. तब ले मु school रहे. पर गुट्टे मस्त अधिक समय ही न थला. I had not spent one month in the school then. So, I was also in the school. I saw a boy standing in a meditative posture. Meditative posture. That means what? Thoughtful position. I saw, the writer saw, a boy standing in a meditative posture. The boy was standing in a थॉटफुल पोजीशन गोटे चिंतामग्न अवस्था ठिया होता गोटे पिलाटी लेखक देखिले राफ्ड इन ए टावल राफ्ड इन कवर्ड और ड्रेस्ड इन ए टावल कौन पिंधा से टावल ऑन द वेरी ब्रिंक ऑन द वेरी एज बुझी तौलिया बा टावल पिंधला हला कवर्ड ढाकी थिला ही वाज नो बिगर देन आई वाज से मोट बड़ नथिला ही वाज स्मॉलर देन मी
ही वाज शॉर्टर देन मी सो आई थॉट हिम फेयर गेम तेणु मुझे गोटे खेल खेली बोली चाहिए है कौन जान जानपर थी कबिंग स्टिल दिली स्टिल दिली मैंने लुचि लुचि कबिंग स्टिल दिली बिहाइंड आई पुश्ड हिम इन भितर ठेली देली ना सिचुएशन विजुअलाइज कर होल्डिंग ऑन टू हिज टॉवल आउट ऑफ ह्यूमैनिटी टॉवल टा को ह्यूमैनिटी इन स्टाइल इन ग्रेस स्टाइल टॉवल टा धरली सो दैट इट शुड नॉट गेट वेट जमी टॉवल टा वेट हम ना ओदा हम ना तो धरिकी पुश कर दिली होल्डिंग मैंने बुझे तो धरवा बुझे सब वर्ड मीनिंग आई वाज स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड टू सी ए फ्यूरियस फेस मीन्स डेंजरस फेस गोटे भयंकर बा आक्रामक मुह देखिए मुझे सरप्राइज हेली आई वाज स्टार्टल्ड टू सी सरप्राइज हेली मन रखा द राइटर वाज सरप्राइज टू सी द डेंजरस और अटाकिंग फेस इमर्ज फ्रम द फोम जहाँकि इमर्ज है अपीयर है देखागला कौटू फ्रम द फोम फेणर एंड बीइंग एविडेंटली ऑफ एनर्मस स्ट्रेंथ एविडेंटली मीन्स आट ए टाइम गोटे समय एनर्मस स्ट्रेंथ बहुत गुड़े स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मान हूँ कहपर शक्ति बहुत गुड़े शक्ति एकाठी करके मेकिंग इट्स वे बाय फियर स्ट्रोक्स टू द सो तमें से कौन फियर स्ट्रोक मीन्स सांघातिक पाद बड़ बड़ कौन आम कह स्टेप स्टेप पकई आसला टू द सोर किए ना से जो जो पिलाटी को ठेल देते बुझे एविडेंटली ऑफ एनर्मस स्ट्रेंथ एविडेंटली मीन्स आट ए टाइम एनर्मस स्ट्रेंथ मान हूँ बहुत गुड़े शक्ति नहीं क्षमता नहीं कि मेकिंग इट्स वे बाय फियर्स स्ट्रोक फियर्स स्ट्रोक मीन्स स्ट्रंग एंड कह फुट स्टेप मान शक्तिशाली पाद पक आसला टू द सोर कूल को आई फ्लेड फ्लेड मीन्स रैन बट इन भेन बट फेल्ड कि दौड़ी से मुझे दौड़ी कि पारि ना से मत धरीदेली हि कट मी स्विफ्ट आज द विंड मैंने पवन रिग भली माई पर्स्यूअर पर्स्यूअर मैंने कौन से मो पक्ष लगेगा चेजर से मतलब पिछा करते पर्स्यू करते पिछा करते मैं चेजर ओवरटुक मी मैंने मतलब टपी गले एक्सीड कले सीज्ड मी मतलब घेरी गले इन फियोसियस ग्रीप मीन्स होल्ड स्ट्रंग एंड सीवियरली मतलब धन शक्तिशाली भाव में सीवियरली अत्यधिक भाव में मतलब धरने लगे फियोसियस ग्रीप ग्रीप मैंने जान हाथ में आम सैकिल कहूनी ग्रीप गाड़ी कहूनी ग्रीप जहाँ आम धरचे एंड होल्ड मी होल्ड मीन्स पुस्ट और थ्रोट बुझे मैंने से मतलब फिंगीदे मी इन टू द डीपेस्ट पार्ट अफ द पुल पुल जो डीपेस्ट पार्ट थी गभीरतम पार्ट थी ताकि मतलब ठेलीदे बुझेगा ये पाराग्राफ्टा आगे टे पूर्व प्ले करके तुम्हें आउ थे देखे नहीं बुझीज वार्ड मीनिंग इंपोर्टेंट वार्ड मीनिंग नोट आसी पाला व्यस्त हो तुम्हें भिडियो टी बुझी नौ वार्ड मीनिंग निश्चय अपलोड करी मोबाइल विश्वास रख आई सुन स्क्रम्बल्ड स्क्रम्बल्ड मान हूँ कौन ना गो हरिली और क्विकली मैं तत्व रहीकि पल तत्व पलैली अन् द अदर सैड अन्न पार्श्व को एंड फाउंड माइ सेल्फ सराउंडेड बाय एन एजिटेटेड क्राउड ऑफ यंगर बॉयज एजिटेटेड मीन्स अफसेट क्राउड बुझे तो मैंने देखिली जे आई फाउंड माइ सेल्फ सराउंडेड मीन्स द क्राउड सराउंडेड मी से क्राउड मतलब घेरी जाइला है मझे मुझी एजिटेटेड क्राउड ऑफ यंगर बॉयज कितने यंगर बॉयज मैंने मतलब घेरी गले देखिली यू आर इन फॉर इट द सेट द यंगर बॉयज सेट यू आर इन फॉर इट तुम एथपे एडमिशन नहीं डु यू नो ह्वाट यू हाव डन तुम्हें जान तुम्हें कौन कर इट्स एमेरी हि इज इन द सिक्स फर्म से सिक्स स्टाणार्डर गोटे पिला ना हूँ एमेरी हिज नेम वाज एमेरी हि इज इन सिक्स फर्म से तार स्टाणार्ड हूँ सिक्स हि इज हेड अफ हिज हाउस हि इज चंपिओन एट जिम तार बहुत गुड़ गुण बखाणु हि इज हेड अफ हिज हाउस मीनस मनिटर अफ हिज क्लास घर से क्लास मुख्य सी हि चंपिओन एट जिम से जिम्र चंपिओन हि हाज गट हिज फुटबल कलर से फुटबल बहुत फेम अच्छी दे कंटिन्यू टू रिकाउंट रिकाउंट मीन्स एक्सप्लेन और न्यारेट से तार गोटे पर गोटे गुण बखाणिले दे टोल्ड हिज मेनी टाइटल्स टू फेम एंड रिभरेन्स रिभरेन्स मीन्स रेस्पेक्ट फेम मैं प्रसिद्ध करवा तार प्रसिद्धि तार सम्मान विषय गोटे पर गोटे मत रिकाउंट कले कह कहले गोटे चलने एंड टू डिलेट अपन द अफुल अफुल रिट्रीब्यूशन डिलेट अपन मैंने कौन ना बहु समय धरी बखाणवा से मैंने बहुत समय धरी बखाणिले टू स्पीक अबाउट ए सब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अफुल रिट्रीब्यूशन मीन्स फियरफुल पनीशमेंट मैंने आम कह भयप्रद भयपूर्ण दंड जो दंड मत पड़ मत भूल कर दे सिक्स स्टाणार्डर एत फेम रेस्पेक्ट अच्छी कौन करी भूल तो हो जाए तेनाली जो दंड पड़ो से मतलब डराऊँच बुझे दे कंटिन्यू टू रिकाउंट हिज
many titles to fave and reverence and to dilate upon the awful retribution. Awful retribution माने मन रखो fearful punishment, भयपूर्ण दंड. That would fall upon it जहाँ मोपरे पड़ी बो. बुझी बुझी जहाँ मुते पड़ी बो मुते भूल कर चुके हो तुम्हें भूल करे मारा खाओ. जहाँ बो हो. I was convulsed not only with terror. Convulsed means shook violently. भीषण भावे थरी बात तो मु भीषण भावे थरी केवल से तिग्न हो. With terror, with fear, with माने भय रे. But with the guilt of sacrilege. Sacrilege means repentance. Guilt माने दोष. एवं अनुताप रो दोष मते लागिला मु मते भाबिली मु भाबिली जे मु किछ अनु माने अनुताप कर लिख जे किछ भूल कर दी जी बोली. How could I tell his rank? Rank means class. केमति मु जानि बिना क्लास बा ताको रैंक. When he was in a bath towel and so small, से bath towel रे अछंती एवं इत्ते सानो मु केमति जानिबि तांकर रैंक विषय रे. I determined to apologize mistakenly. Apologize माने होची क्षमा मागिबा. I determined, I realized बा मु चिंता कली बा मु मने मने स्थिर कली. Decided to apologize immediately, to beg my pardon immediately. माने हठात मु चिंता कली सांग सांग जे मु भूल मागि देबि हो क्षमा मागि देबि हो. I approached the potentate in lively trepidation. I approached means came closer or came nearer. The potentate, potentate means a person who has or who possesses great power. Jar bahut bol ba bol shali byakti pak ko mu approach pakhai gali in lively trepidation. Lively trepidation means nervousness. Bujhu ji atyadhik chhaniya hai gali mu ta pak ko gali. I am very sorry, I said. Ta ko sorry boli kahile I am very sorry, I said. I mistook you for a fourth form boy. Mu apan ko te fourth class र पिला बोली भाबिली. यू आर सो स्मॉल, तुम बहुत सामने देखा हो, तुम्हारा हाइट कम. यू आर अ शॉर्ट पर्सन. यू आर नॉट टॉल. ही डिड नॉट सीम एट ऑल प्लासेटेड बाय दिस. किंतु प्लासेटेड मींस काम. तार राग शांत हो गया बोली जना पड़ला नहीं. ही डिड नॉट सीम एट ऑल प्लासेटेड बाय दिस. सो आई एडेड इन ए मोस्ट ब्रिलियंट रिकवरी. तेणु सांगे सांगे मो रिकवरी मत क्षमान करदे गोटे ब्रिलियंट आईडिया केम टू माई माइंड. आई टोल्ड व्हाट डिड आई टेल पढ़िया. माय फादर हु इज ए ग्रेट मैन इज अल्सो स्मॉल. तेणु लेख कहले कहले माय फादर हु इज ए ग्रेट मैन जे भी जने बहुत ग्रेट मैन महान लोक बट ही इज सो स्मॉल किंतु से बहुत सान. आट दिस ही लाफ्ड. एक कथा रे से हसिले. एंड आफ्टर सम जनरल रिमार्क्स एवं मते किछि जनरल रिमार्क किछि मंतव्य देले अबाउट माय चिक. चिक माने टिक आलो न होबला माने चिक माने होची इनपोलाइटनेस माने अभद्रता. बुझे तेणु सी मत किसी साधारण मंत्य जहाँ भूल कर देती मोर मैंने अभद्रामी पर किसी कहले असाधारण व्यवहार उपर किसी कहले. एंड हाउ आई हैड बेटर बी केयरफुल इन द फ्यूचर सिग्निफाइड दैट द इनसीडेंट वाज क्लोज्ड. एंड हाउ आई हैड बेटर इन केयरफुल केमती मुझे बेटर केयरफुली हैंडल करी सिचुएसन गुडाक केमती मुझे भविष्य केयरफुल होबी आमती भूल करी ना इन द फ्यूचर भविष्य में सिग्निफाइड दैट expresses that, explains that. मैंने दर्शाए जे द इनसीडेंट वाज क्लोज्ड, द मैटर वाज क्लोज्ड. घटना बा परिस्थिति आउ ना फाइनाल हो गला तेना किसी प्रोब्लेम हम ना बुझेगा ये तुम मन रखीदेव डिफिकल्ट गुड़ा आसे आज इजी हम तुमको तथा बुझीपार कहीदे तुम तक नोट कर नहीं थो बारंबार देखने इजिली हो किसी असुविधा हम ना थे पड़े मन रही ग्लोसरी पिला तुम्हें निजे मन रख मुझे सब कही गुड़ाक तथा तुम्हें ताकू नोट करके घुसी दबो. ठीक अच्छे बर्तमान आम कौन करवा ना पारा सरी आम यूनिट फोर आम पढ़ा. ठीक अच्छे तेल पढ़ा यूनिट फोर तुम्हें यार क्वेश्चन आंसर यूनिट थ्री निजे करने ट्राए कर बर्तमान देखा यूनिट फोर. आई हाव बीन फॉर्चुनेट टू सी ए गुड डील मोर ऑफ हिम इन टाइम्स व्हेन थ्री इयर्स डिफरेंस इन एज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज इट इज एट स्कूल. I have been fortunate. The writer said that he was so lucky to see a good deal more of him. That means a lot of words or comments or things happened. But बहुत कुड़े कथा अने कथा घटी गला तंग सही तो ये कथा solve हुई गला बोली लेकर बहुत खुशी थी ले. In times when 3 years indifference, in times means in recent times बस सही समय रे when 3 years difference तो बोले 3 वर्ष रहा डिफरेंस माने फरक इन एज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट अति गुरुत्वपूर्ण नथिला आज इट इज एट स्कूल स्कूल लेवल रे थ्री इयर्स डिफरेंस इज नॉट ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न.
3 বছর কিছু নো ডিফারেন্স বয়সরে উই ওয়ার আফটারওয়ার্ডস টু বি ক্যাবিনেট কলিগস কলিগস মিন্স অ্যাসোসিয়েট অর আমি কইপারিবা ফ্রেন্ড আমি ক্যাবিনেট সহযোগী বা সহকর্মী আমি দুজন জায়গা থিলু ফর এ গুড মেনি ইয়ার্স বহুত বর্ষ ধরে ইট ওয়াজ থট ইন কংগ্রেস ইন কংগ্রেস দ্যাট মিন্স অনসুইটেবল অসঙ্গত অর আমি কইপারিবা স্টেঞ্জ স্ট্রেঞ্জ অদ্ভুত দ্যাট ফাইল আই অ্যাপারেন্টলি স্ট্যাগনেটেড স্ট্যাগনেট মিন্স অনডেভেলপড অর স্টপ মেকিং প্রোগ্রেস যেতবে অ্যাপারেন্টলি বা ফ্রিকুয়েন্টলি বা সেই সময় মু কিছু ডেভেলপ করে পারি মোর প্রোগ্রেস উন্নতি হো নথিলা ইন দ্য লোয়েস্ট ফর্ম তল ক্লাস মানঙ্করে আই সুড গেন এ প্রাইজ বট আই গেন্ড অর আই সুড গেন এ প্রাইজ মু গোটে প্রাইজ জিতিছিলি ওপন টু দ্য হোল স্কুল স্কুল সমগ্র স্কুল তরফরু ফর রিসাইটিং মনে রাখি ইম্পর্টাট কোশ্চিন আসে পরীক্ষার ফর রিসাইটিং টু দ্য হেডমাস্টর হেডমাস্টর গোটে রিসাইট করে উচ্চারণ করে রিসাইট করা জানি 1200 লাইন্স অফ নেকলেস লেজ অফ আনসিয়েন্ট রোম উইদাউট মেকিং এ সিঙ্গল মিস্টেক উইদাউট মেকিং এ সিঙ্গল মিস্টেক মানে বিনা ভুলরে আই ডিড নট ডু অর ডিড নট মেক এ সিঙ্গল মিস্টেক মোর কিছু ভুল হয়ে নথিলা অ্যান্ড আই ওয়াজ এবল টু রিসাইট দ্য পোয়েম পোয়েম না কোন থিলা না নেকলেস লজ অফ আনসিয়েন্ট রোম কিছু ভুল হয়ে নথিলা মাস্টারকে মুঁ রিসাইট করতে সো দ্যাট আই গেন্ড এ প্রাইজ এপাই মুঁ গোটে প্রাইজ পাইলি ওপন টু দ্য স্কুল ওপন টু দ্য হোল স্কুল সমগ্র স্কুল পাই বুঝি ফর রিসাইটিং টু দ্য হেডমাস্টার 1200 লাইন্স হাউ মেনি লাইন্স আর দেয়ার 1200 লাইন্স অফ ম্যাকুলেস ম্যাকুলেস জনে ফেমস ইংলিশ রাইটর মনে রাখব ম্যাকুলেস তুমি দেখিব গুগলে সর্চ করিকি ম্যাকুলেসকর পোয়েম পড়িব তাঙ্ক ফটো দেখিব উইদাউট মেকিং এ সিঙ্গল মিস্টেক বিনা ভুল করিকি বুঝি আই অলসো সকসিডেড ইন পাসিং দ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন আই মিন্স উইনস্টন এস চার্চিল কোচান্তি আই অলসো সকসিডেড তা আমি মু সফলতা পাইলি ইন পাসিং দ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন যে প্রাথমিক পরীক্ষা হয়েছিল ফর দ আর্মি সে আর্মিরে পাইলে তুমি জাঁচ আর্মি পাই হোয়াইল স্টিল অলমোস্ট আট দ বটম অফ দ স্কুল যেত মানে কি মু স্কুলের সবাই লাস্ট ফর্মে লি মোর স্ট্যান্ডার্ড এত ডেভেলপ নথিলা আমি পড়লে এটি অপারেন্টলি স্ট্যাগনেটেড ইন দ লোয়েস্ট ফর্ম বুঝুছি তেমন তথাপি স্কুলের এত ভালো পজিশন নথিলে মধ্যে এত স্ট্যান্ডার্ড ভালো নথিলে মধ্যে আই কোয়ালিফাইড ফর দ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন ফর দ আর্মি ঠিক আছে তারপরে দিস এক্সামিনেশন সিম টু হ্যাভ কল্ড ফোর্থ এ ভেরি স্পেশাল এফোর্ট অন মাই পার্ট দিস এক্সামিনেশন সিম টু হ্যাভ কল্ড ফোর্থ এ ভেরি স্পেশাল এফোর্ট মোর বহুত স্পেশাল এফোর্ট লা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা আমি করেছিলি সেপাই প্রিপারেশন অন মাই পার্ট মো পক্ষর ফর মেনি বয়েজ ফার এবভ মি বিকজ আউ কোন কারণ কোন না মিনি বয়েজ ফার এবভ মো স্ট্যান্ডার্ড টু বেশি ফার এবভ মি টপ স্টুডেন্টস বা হায়ার স্ট্যান্ডার্ড স্টুডেন্টস মো টু যেত যে মানে স্ট্যান্ডার্ড এবভ হাই ইন দ্য স্কুল ফেলড ইন ইট সে ফেলড হয়েছিল দে ডিড নট কোয়ালিফাই বট মু লাস্টে থিলে মধ্য কোয়ালিফাই করেছিলি আই অলসো হার্ড এ পিস অফ গুড লক আই ওয়াজ ফর্চুনেট মু লকি থিলি ভাগ্যবান থিলি উই নিউ দ্যাট এবং অদর কোশ্চিনস উই শুড বি আস্ক টু ড্র ফ্রম মেমোরি এ ম্যাপ অফ সম কন্ট্রি অর আদর তাহলে কোণ না আই হ্যাড বিন আস্কড মতো পচরা যাই লট অফ কোশ্চিনস অ্যান্ড আমি জাঁথিলু যে বহু কোশ্চিন ভিতর উই নিউ দ্যাট এবং অদর কোশ্চিনস অন্য কোশ্চিন মানক ভিতর উই শুড বি আস্কড টু ড্র কোণ আমি পচরা যা বলি টু ড্র ফ্রম মেমোরি মনর ড্র করা ম্যাপ অফ সম কন্ট্রি অর অদর গোটে দেশ কিংবা অন্য রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোণ তার গোটে ম্যাপ কু আমি ড্র করা পড়ে বলে বহু কোশ্চিন ভিতর এটা গোটে পড়ি পড়ে বলে আমার চান্সেস লা দ নাইট বিফোর বাই ওয়ে অফ ফাইনাল প্রিপারেশন মানে পরীক্ষা পূর্ব দিন ঠিক রাতে রে শেষ প্রস্তুতি পূর্ব আই পুট দ নেমস অফ অল দ ম্যাপ সমস্ত ম্যাপর নেম কু মনে রাখিলি আই পুট দ নেমস অফ অল ম্যাপস ইন দ আটলাস আটলাস রে মু দেখিলি দেখিকি ইন টু হ্যাড হ্যাড রে কোণ কলি মানে টোপি উপরে তাকে মু লিখিলি তাকে ড্র কলি অ্যান্ড ড্রিউ আউট নিউজিল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড কু মু কোণ কলি নিউজিল্যান্ডর চিত্র মু ড্র কলি ড্রিউ আউট আই অ্যাপ্লাইড মাই গুড মেমোরি টু দ্য জিওগ্রাফি অফ দ্যাট ডোমিনিয়ন সেই ডোমিনিয়ন বা সেই কন্ট্রি বা সেই অঞ্চলর জিওগ্রাফি কু ভৌগোলিক সীমারেখা কু মু ভালো ভাবে মনে রাখিলি সিওর এনফ দ ফার্স্ট কোশ্চিন
इन द पेपर वाज ड्र ए मैप ऑफ न्यूजीलैंड चाहो फास्ट क्वेश्चन थिला न्यूजीलैंड रा मैप ड्र करने को दिस वाज व्हाट इज कॉल्ड एट मोंटे कार्लो जहाँ कि मोंटे कार्लो गोटे स्थान ना इज द नेम ऑफ अ प्लेस सेठा कहा जाए कौन ना आन इफ्लिन आन इफ्लिन हूँ गोटे गैम्बलिंग बेट प्लेस्ड एंटायरली ऑन ए सिंगल नंबर गोटे नंबर उपर खेल के तुम And I ought to have been paid 35 times my stake. एवं जितनी कुम stake बा जितनी कुम भावी थी जितनी रही हो बो जितनी बाजी मार थी तातो 35 times अधिकार रही ला जितनी mark मतलब अधिकार मिल ला मतलब जितनी गुनो. However, I certainly got paid very high marks for my paper. जहाँ मो विषय में सर्वाधिक नंबर रखी थी वा बहुत अधिक नंबर रखी थी एवं स्कूल ना को फेम कर थी. ठीक है जी तुम्हें ग्लोसरी तो पढ़ी हो दिया वार्ड दे ची ता सही तो क्वेश्चन आंसर मध्य निजे करिब पिला माने देखो एटी पार्सिंग देछि पोस्ट स्टडी एक्टिविटी हम डिस्कशन करि देबा पार्सिंग इन इंग्लिश ग्रामर इज द लॉस्ट आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग इट आर्ट लॉस्ट होलानी आ बेसी होउनी ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट तको हम आइडेंटिफाई करे सब जा कंपोनेंट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढिछे इट वाज वंस वन ऑफ द फंडामेंटल एक्सरसाइजेस दैट टेस्टेड एंड इन्फॉर्मड पीपल्स इन इंग्लिश एतोले पिला मानको कोन इंग्लिश रे सिखा जाउथला टेस्टेड कराउथला बुझुची पार्सिंग रिक्वायर्स स्टूडेंट टू ब्रेक डाउन ए सेंटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट वर्ड्स क्लासिफाइंग ईच इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच द नंबर पर्सन एज वेल एज इट्स टेंस वॉइस एंड फंक्शन ऑफ द सेंटेंस तने पिलार फंडामेंटल जदि जहार जानिथिबो से सब करि परिबो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोन नाउन की प्रोनाउन की एडजेक्टिव वर्ब एंड वर्ब की प्रीपोजिशन कंजंक्शन की इंटरजेक्शन अट्टा पढि छमे द नंबर सिंगुलर की प्लुरल पर्सन फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन एज वेल एज टेंस प्रेजेंट की पास्ट कि वॉइस एक्टिव वॉइस कि पैसिव वॉइस एंड फंक्शन ऑब्जेक्ट कि कॉम्प्लीमेंट कि एडजंक्ट कि कौन से विषय में कि सब्जेक्ट कौन हम ए विषय में बर्तमान आलोचना करवा तो देखो एग्जांपल जमी गोटे कर सेंटेंस केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट्स केयरलेस हूँ सिंगुलर नाउन नाउन आम पढ़े सिंगुलर प्लुरल एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कॉजेस हूँ गोटे रेगुलर ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर सेमती एक्सीडेंट अच्छी ए प्लुरल नाउन ऑफ द सेंटेंस तो प्लान तुमको इजिली करपर देख गोटे करदे चिल्ड्रेन लव टॉयज चिल्ड्रेन प्लुरल नाउन सब्जेक्ट लव हूँ गोटे कौन वर्ब आउ ट्रांजिटिव वर्ब टॉयज हूँ ऑब्जेक्ट प्लुरल नाउन बुझे सेमती आम आपको आम लिखा कथा बुझे समस्त करपर इजिली ना ना गोटे रेगुलर ट्रांजिटिव वर्ब होची लव सिंपली टॉयज विषय में जानले प्लुरल नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस चिल्ड्रन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस गोटे प्लुरल नाउन सिंपली मते कहो फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज फ्लावर्स कौन हम सब्जेक्ट गोटे प्लुरल नाउन और ब्लूम होची गोटे इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन जेहेतु ऑब्जेक्ट ना इंट्रांजिटिव हम ये ऑन होची प्रीपोजिशन आ ब्लूम कथा हमें कहीन कंप्लीट हैनी इंट्रांजिटिव वर्ब आ सिंपल टेंस हम लिख देबा सिंपल प्रेजेंट टेंस आउ ऑन हूँ प्रीपोजिशन आउ ट्री हूँ गोटे प्लुरल नाउन ये ऑब्जेक्ट ना ट्री हूँ गोटे प्लुरल नाउन तापर बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट बॉयज हूँ गोटे प्लुरल नाउन गोटे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मन रखु पे मैंने नोट कर दे पार आर प्लेइंग हूँ ट्रांजिटिव हाउ एक्टिव वॉइस आउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जानपर छ क्रिकेट हूँ गोटे सिंगुलर नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब आर प्लेइंग सेमती सचिन हूँ नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट आउ हाज वन हूँ ट्रांजिटिव वर्ब जेहतु तुम ऑब्जेक्ट अच्छे गोल्ड मेडल वन हूँ हाज वन हूँ वर्ब गोल्ड हूँ एडजेक्टिव मेडल हूँ सिंगुलर नाउन ऑब्जेक्ट तेनाली तुम्हें करपर तापर बी जो है क्लॉज एनालिसिस पे मैंने क्लॉज विषय तुम्हें हाईस्कल पढ़ी नहीं कि क्लॉज आम सबनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ीचे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन कहे से विषय में पढ़ीचे आउ प्रिंसिपल क्लॉज बा मेन क्लॉज सबनेट क्लॉज चिन्ह पार समस्ते पढ़ीच देख लिखा है प्रिंसिपल क्लॉज कौन ना ए क्लॉज विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ गोटे क्लॉज जहाँ कि कंप्लीट सेन्स गोटे कंप्लीट मीनिंग दौथे रही पार्टी कहे प्रिंसिपल मेन क्लॉज मेन क्लॉज सर इंडिपेंडेंट आम पढ़ीचे सबनेट क्लॉज कौन ना ए क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज उपर डिपेंड करे फॉर कंप्लीट सेन्स तेनालीटा गोटे डिपेंडेंट क्लॉज तेनालीटा तुम्हें निजे कह नो दैट ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग नो हूँ मेन क्लॉज बा प्रिंसिपल क्लॉज दैट ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग हूँ सबनेट क्लॉज सेमती लिखाई बी सी तुम्हें निजे पढ़ी पार ओके किसी प्रोब्लेम हम तापर आइडेंटिफाई करिया को देछि तुम्हें आकु करिया को चेष्टा करिवो ठीक अछि ग्रामर पार्ट तुम्हारे दरकार आकु तुम्हें करि परिवो मो आंसर कहि देबी कि आंसर
ठीक अच्छे तुम भावु जी आंसर कहीदे तो मुझे तुमको कहीदे जे सी पचार क्वेश्चन आईडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पे आईडेंटिफाई कर पूर्व से सेंटेंस पूर्व गोटे सबऑर्डिनेट थी सबऑर्डिनेट कहले सो दैट थ्रू व्हिच बुझुच व्हिच आर ये सब थी तर आई हैड स्कार्सली पास्ट माय 12th बर्थडे व्हेन आई एंटर्ड इन द हॉस्पिटेबल इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू व्हिच फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स आई वाज डेस्टिन्ड टू जर्नी एटर दीटा अच्छी गोटे व्हेन आई एंटर्ड ठार अच्छी एग्जामिनेशन थ्रू व्हिच ठार अच्छी दीटा सबमिट क्लॉज अच्छी आई हैड स्कार्सली पास्ट माय 12th बर्थडे इट हाउची मेन क्लॉज बा प्रिंसिपल क्लॉज तो आम सबमिट क्लॉज पचारि जे आम व्हेन ठार गोटे लिखा एग्जामिनेशन पर्यंत आउट थ्रू व्हिच ठार जर्नी पर्यंत ठीक अच्छे सेमती द सब्जेक्ट व्हिच आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर अलमोस्ट इनभारेबली दो जाए फेन्सिड लिस्ट व्हिच आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स सबमिट क्लॉज आउ आई फेन्सिड लिस्ट हूँ कौन तुम सबमिट क्लॉज दुईटा सबमिट क्लॉज अच्छी वी आर कनसीडर सच डांसेस दैट दैट ठार लास्ट पर्यंत हूँ इंग्लीश पर्यंत सबमिट क्लॉज सबमिट क्लॉज चिन्ह किसी असुविधा नहीं निजे ट्राए कर आउ दुईटा बुझे आमर ये चैप्टर एंड है तेना समस्त वीडियो देख ल पार्ट वन पार्ट वन यूनिट वन यूनिट टू पढ़ले पार्ट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर पढ़ले वीडियो केमती लगे निश्चय कमेंट कर वर्ड मीनिंग आउ ऑब्जेक्टिव यार जो क्वेश्चन आंसर अच्छी टेक्स्ट बुक तर निश्चय आसो से पर्यटन वेट करके रुह थैंक्स फर व्वाचिंग माइ भिडज आउ प्लेलीस्ट जो समय अच्छे सेकेंड इयर इंग्लीश प्लेलीस्ट जो अच्छी क्लिक कर बाकी भिड देखा सहित रईटिंग स्किल जो तुम अच्छी नोट मेकिंग समराइजिंग तुम डिक्सनारी रेफरेन्स स्किल्स स्पाइचार्ट सब तुम प्राक्ट करो भावी प्राक्ट करू था कहीं निश्चित जो एग्जाम हम तुमको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हम ठीक अच्छे तुम समस्त को धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गुड लक टेक केयर।